आज की क्लास में हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टडी करेंगे। देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें देखिए, अब आप इस ग्राफ पे पहले आ जाइए। देखिए, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का कर्व बनाया गया है सॉफ्ट के लिए और इस केस में यहाँ आपका हार्ड के लिए। देखिए, सॉफ्ट के केस में अगर देखा जाए तो जो एरिया है वो बहुत कम है, हार्ड वाले केस में एरिया ज़्यादा है। और बाकी एच सी की वैल्यू इस केस में देखिए, ये लेंथ जो है आपकी एच सी कही जाएगी, इतनी ये लेंथ एच सी कही जाएगी, इसको कहते हैं कोअर्सिविटी। तो सॉफ्ट के केस में एच सी की वैल्यू कम है, हार्ड के केस में ये जो लेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो हार्ड के केस में एच सी ज़्यादा है। ये वर्टिकल हाइट ले लीजिए कहाँ कट हो रहा है, सॉफ्ट के केस में ये डिस्टेंस बी आर कही जाएगी और हार्ड के केस में ये वाली जो डिस्टेंस बी आर है वो ज़्यादा है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को लिखा गया है, क्या डिफरेंस है दोनों में ये देखा जाए, सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है। ये फेरोमैग्नेटिक के ही दो पार्ट है। पहला पॉइंट है एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप इज स्मॉल, मतलब सॉफ्ट वाले का एरिया कम होगा, हार्ड वाले का एरिया ज़्यादा होगा, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, जो बी आर की वैल्यू है सॉफ्ट के केस में कम होगी, हार्ड के केस में ज़्यादा होगी। तो यही लिखा हुआ है रिमिनेंट फ्लक्स या रिमिनेंट मैग्नेटाइजेशन, जो बी आर है सॉफ्ट के केस में कम है, इसमें रिमिनेंट जो है रिमिनेंट मैग्नेटाइजेशन बी आर की वैल्यू हाई है। नेक्स्ट है कोअर्सिविटी, एच सी की वैल्यू सॉफ्ट के केस में कम होती है, हार्ड के केस में कोअर्सिविटी एच सी कोअर्सिविटी या एच सी जो है ज़्यादा होगा। देखिए, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को आप आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको डीमैग्नेटाइज करना भी इजी है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना दोनों डिफिकल्ट है। तो जल्दी से ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसलिए इसकी परमिएबिलिटी जो है ज़्यादा होगी, हार्ड वाले की परमिएबिलिटी कम होती है। ओके, म्यू जो म्यू है बी इंटू एच का जो रिलेशन है, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, तो म्यू की वैल्यू इस केस में हाई होगा, तभी तो जल्दी से ये अपने सेचुरेशन स्टेट पे पहुंच जाएगा। इस वाले केस में जो हार्ड मैग्नेटिक है उसमें जो है म्यू की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट देखिए, एरिया आपको बताया गया है, एरिया जो है इसका कम है तो डेफिनेटली इसको एरिया से रिलेटेड है हिस्टेरेसिस लॉस, तो सॉफ्ट के केस में हिस्टेरेसिस लॉस जो है कम होगा और हार्ड के केस में एरिया ज्यादा है तो हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, सॉफ्ट को आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, हार्ड वाले केस में क्या है आसानी से, इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, डिफिकल्ट नहीं, इट इज हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉफ्ट के केस में जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का एडी करंट लॉस जो है वो कम होगा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में एडी करंट लॉस अगर मेटल का केस है तो उसमें ज़्यादा होगा, अगर सिरेमिक्स है तो उसमें एडी करंट लॉस जो है कम आएगा। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करते हैं हम ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में, मोटर्स में, जनरेटर्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। नेक्स्ट, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यूज है आपका परमानेंट मैग्नेट बनाने में, उसके बाद स्पीकर्स में यूज होता है, माइक्रोफोन्स में यूज होता है। इस तरह से ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू।